जिस राह पे है घर तेरा, कहां से हाँ मैं हूँ गुजरा, शायद यही दिल मेरा हाँ, तू मुझको मिल जाए क्या पता। तो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। तो फिर से लेके आ चुका आप लोग के लिए न्यू कमाल का वीडियो एडिटिंग। तो गाइस, अगर आप भी कुछ इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरह से क्या करना है। और गाइस, इस वीडियो के अंदर जो भी मटेरियल मैंने यूज़ किया सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इजीली मिल जाएगा, तो आप नीचे जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस, आपको सबसे पहले करना है कि यहाँ पर क्रिएट न्यू दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से सीधा नीचे आ जाना, ठीक है। नीचे आने के बाद आपको जाना है इंपोर्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर लेना, उसके बाद आपको यहाँ से आके इसको जो यहाँ से इस पर क्लिक करके ऐड कर लेना, ठीक है। तो गाइस, यहाँ देख सकते हो मैंने इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर मैंने इंपोर्ट हो चुका है यहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो गाइस, इंपोर्ट हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का जो है पूरा प्रोजेक्ट खुल के आ जाएगा, जो भी मैंने बना के दिया वो इस तरह का ओपन हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। तो गाइस, अब आपको क्या करना है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर जितना भी आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, आपको यहाँ पर जो है अपने सब जगह अपने इमेज को ऐड कर लेना है एंड तक, ठीक है। तो गाइस, देख सकते हो मैंने यहाँ पर पूरा अच्छे से करके दे दिया ताकि आपको एडिटिंग करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली एडिटिंग कर सको। और यहाँ पर जो है बीट के हिसाब से ट्रिम भी करके मैंने यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। तो बस आपको अपने इमेज को यहाँ पर ऐड करना है। ऐड करने के बाद गाइस, देख सकते हो यहाँ पर इस पर क्लिक करना है और यहाँ से रिप्लेस वाले पर क्लिक करना, और आपका गाइस जो भी इमेज रहेगा आपको सिंपली यहाँ पर जो उसको ऐसे क्लिक करके ऐड कर लेना, जैसे कि आप देख पा रहे हो जिस तरह से मैंने यहाँ पर ऐड किया, ठीक है। इस तरह से ऐड करने के बाद गाइस, इसी तरह से आपको सारा एंड तक आपको इमेज इसको अपना ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं पहले इमेज को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। तो गाइस, आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से सब में जो है इमेजेस को ऐड कर लिया, ठीक है। तो आप यहाँ पर ऐड कर लेना सब इमेजेस को। उसका गाइस आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आना, ठीक है। स्टार्टिंग में आना है और यहाँ पर क्लियर फिक ऐड करना है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट इमेज पर क्लिक करना और यहाँ से जो क्लियर फिक ऐड करेंगे, यहाँ से क्लियर फिक पर जाएंगे और यहाँ से जो है हमको ऐड करने वाले हैं इन एनिमेशन से 1 नंबर वाला, ठीक है। तो ये जो है मैंने पहले से ऐड कर दिया आगे के जो ये 4 इमेज है, 1, 2 और ये 3 और 4, ठीक है। इसमें मैंने ऐड करके दे दिया, ठीक है। तो बाकी में आपको करना पड़ेगा खुद से। देखो कैसे ऐड करना मैं आपको बता देता हूँ। फिर इस पर आना और यहाँ पर जो है ग्राफिक पे क्लिक करना और यहाँ से जो ऐड कर लेना इन एनिमेशन 33 नंबर वाला, ठीक है। उसका फिर अगले इमेज पर जाना, फिर यहाँ से जो ग्राफिक पे जाएंगे और यहाँ से स्वीट लाइट से 5 नंबर वाला, ठीक है। इसी तरह से आपको ऐड करना आगे। तो गाइस, ये जो क्लियर फिक आपको कर्मस्टर के अंदर नहीं मिलेगा, मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उस पर लिखा होगा हाउ टू इंस्टॉल कॉल मी डीजे क्लियर फिक। आप उस वीडियो को देख लेना तो आपको दोनों ही क्लियर फिक डाउनलोड करने का प्रोसेस पता चल जाएगा किस तरह से आप कर सकते हो आप कोई भी कर्मस्टर में, मतलब कि क्लियर फिक को डाउनलोड, ठीक है। वीडियो देख लेना, उसको डाउनलोड कर लेना। इसी तरह से गाइस आपको फिर आगे आना है, फिर यहाँ पर क्लियर फिक पर जाएंगे, फिर यहाँ से इन एनिमेशन से 33 नंबर ऐड कर देना, ठीक है। उसी फिर आगे जाएंगे यहाँ पर, फिर क्लियर पे जाएंगे, फिर यहाँ से जो है स्वीट लाइट से 5 नंबर वाला। तो इस तरह से आपको गाइस कहाँ तक ऐड करना मैं बता देता हूँ। देख सकते हो यहाँ तक आपको ऐड कर लेना है 4.7 सेकेंड से, जितना भी यहाँ पर इमेज है इसी तरह से आपको यहाँ पर जितना भी दिख रहा है यहाँ तक ऐड कर लेना, यहाँ तक, ठीक है। 4.7 सेकेंड से पहले जितने भी इमेज है। अगर ड्यूरेशन का नहीं देखना है आपको, छोटा या बड़ा आपको लग रहा हो कन्फ्यूजन की छोटा है इसमें ये वाला ऐड करना होगा, नहीं आप सीधा 1 बाय 1 एक बार ऐड कर लेना, ठीक है, इस तरह से। उसका फिर यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 4 इमेज, इसमें जो है आपको सिंपली ऐड कर लेना है, ग्राफिक भी जाएंगे इन एनिमेशन से 33 नंबर वाला इस सब में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। उसका फिर आगे आना है, फिर यहाँ से जो 5.2 सेकंड से जो जितना भी इमेज स्टार्ट होगा आपको फिर यहीं से वही स्टार्ट करना है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ग्राफिक भी जाएंगे और यहाँ से इन एनिमेशन से 33 नंबर वाला, ठीक है, इन एनिमेशन से 33 नंबर वाला यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, 33 नंबर वाला। फिर आगे वाले में स्वीट लाइट से ऐड कर लेना है 5 नंबर वाला, ठीक है। तो यहाँ स्वीट लाइट पे जाएंगे और यहाँ से 5 नंबर वाला ऐड कर लेंगे। तो इसी तरह से आपको ये भी ऐड कर लेना है यहाँ तक, देख सकते हो यहाँ तक 7.9 सेकंड से पहले जितना भी इमेज है इसी तरह से आपको ये करके ऐड कर लेना है। उसका फिर आगे आना, फिर यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा ये 7.9 सेकंड के बाद जो ये इमेज है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर जो है कॉल मीडिया ऐड कर लेंगे। तो गाइस, ग्राफिक किस तरह से ऐड करना है वो सब मैंने जो यहाँ पर लिख के दे दिया है, तब उसको देख के जो है आराम से आप जो है सब ग्राफिक को ऐड कर लेना, क्लिक कॉल मीडिया से 2 नंबर वाला इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आगे आएंगे, फिर यहीं से सेम जो रहेगा 9.2 सेकंड से जितने भी इस साइड में जितने इमेज है आपको इसी तरह से ऐड कर लेना इन इमेज से 33 नंबर वाला और स्वीट लाइट से 5 नंबर वाला, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा होगा, तो इस तरह से आपको यहाँ तक ऐड कर लेना है। बता देता हूँ कहाँ तक ऐड करना है, यहाँ तक आप 14.4 सेकंड से पहले जितने भी ये इमेज है इस तरह से आपको ऐड कर लेना है एक करके। उसका फिर आगे आना है, फिर यहाँ से जितना भी ये इमेज है ना यहाँ से यहाँ तक 16.6 सेकंड से पहले और यहाँ से जो स्टार्ट होता है ये
14.4 सेकंड से। यहाँ पर आपको हेलोवीन पार्टी से 10 नंबर वाला ऐड कर लेना, ठीक है। तो हेलोवीन पार्टी भी आप इस वीडियो को देख लेना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हो हेलोवीन पार्टी से, ठीक है। तो ऐसे 10 नंबर वाला ऐड कर देंगे सब में, जितना भी इमेज रहेगा सब में, छोटा ड्यूरेशन या बड़ा ड्यूरेशन में आप कन्फ्यूज़ मत होना, आपको सब में ही ऐड करना है, ठीक है। तो इस तरह से 10 नंबर वाला ऐड कर दिया, उसके बाद यहाँ पर सब में ऐड कर लेना उसका। फिर यहाँ से जो है जितना भी इमेज रहेगा यहाँ तक 18.7 सेकंड से पहले जितना भी यहाँ से स्टार्ट होता है जो इन एनिमेशन से 33 नंबर वाला सब में ही ऐड करना है, ठीक है। सब में A to Z इन एनिमेशन से 33 नंबर वाला सब में ऐड कर देना, 33 नंबर वाला सब में ऐड कर लेना। उसके बाद लास्ट जो आपका इमेज रहेगा इसमें फिर से कॉल मेड जैसे 2 नंबर वाला ऐड कर देना, ठीक है। तो गाइस मैंने लिख के यहाँ पर रखा है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप उसको देख लेना, उसके बाद आप ऐड कर लेना सब ग्राफिक को। तो गाइस इतना हो जाने के बाद गाइस अब आपको क्या करना है कि आपको आना स्टार्टिंग में, ठीक है। यहाँ स्टार्टिंग में आना है और यहाँ से क्या करना है कि आपको एक इफेक्ट ऐड कर लेना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाएंगे और यहाँ से जो इसमें इफेक्ट यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस देख सकते हो कि मैंने यहाँ से इस इफेक्ट को यहाँ पर ऐड कर लिया, तो उसको कुछ इस तरह से टर्न करना है, ठीक है। उसके बाद आपको इस तरह से इसका ड्यूरेशन बढ़ा लेना, मतलब इसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है। करने के बाद आपको नीचे जाना है ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे और यहाँ से सिंपली इसको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद आपको कुछ जो पूरा एडिटिंग जो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना करने के बाद जो आपका पूरा एडिटिंग ईजिली कंप्लीट हो जाएगा, तो जिस तरह से मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, उसके बाद आपका जो बिल्कुल सेम बन जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। पहले वीडियो को एंड तक देखना, उसके बाद एडिटिंग करना, नहीं तो हो सकता है कि आप कुछ पार्ट मिस कर दो और फिर आपको मतलब आपका एडिटिंग जो अच्छे से हो ना पाए, फिर आप मेरे को कहोगे कि हुआ नहीं, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना, उसके बाद आप एडिटिंग करना तो आपका अच्छे से हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। तो क्या जैसे कि आपका पूरा समझ लो आपका एडिटिंग पूरा कंप्लीट हो गया, तो आप जो है ये जो मैंने लिख के दे रखा है आप इसको सबको डिलीट कर देना, ठीक है। यहाँ पर सबको यहाँ से हटा देना ताकि जो है आपको लिखा हुआ ना दिखाई दे, ठीक है। तो इस तरह से आप सबको हटा लेना, तो इस तरह से जो आपका पूरा एडिटिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको जाना है शेयर वाले ऑप्शन पे, उसके बाद आपको फुल HD पे रख के आपको सेव पे क्लिक कर देना, तो आपका वीडियो जो है सेव हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो एडिटिंग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।